मध्य प्रदेश में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू बनकर एक मुस्लिम युवक लड़की को साथ ले गया है। बेटी के गायब हो जाने के बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। छतरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाने का आरोप लगा है। लड़की के माता पिता ने एसपी से शिकायत की है। लड़की बिजावर के पीपट गांव की रहने वाली है और अपने पिता के साथ सागर में परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन वापस नहीं आई। लड़की की मां ने बताया कि लड़का बस में कंडक्टर है और हिंदू नाम बताकर बेटी को फंसाया, अब उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। वहीं लव जिहाद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बिजावर में आंदोलन करते हुए जाम लगाया और लड़की के परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद और चौरसिया समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आज लव जिहाद के मामले में हम लोग एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे। एक रानू खान नाम के युवक ने पिपट की एक हमारी हिंदू बहन को अपने नाम रानू बताकर, हिंदू नाम बताकर बहला फुजला कर, वो सागर से जब वो पेपर देने गई थी तब वहां से वो भगा ले गया है। परिवार का यह मानना है कि उसका अपहरण हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के हम लोगों ने जब तहकीकात की तो उसका नाम पता चला था कि रानू खान है, बस में कंडक्टरी करता है। और जैसे ही हमें परिवार द्वारा सूचना मिली तो हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए और दो दिन के भीतर उनने हमें यह आश्वासन दिया है कि बच्ची अपने परिवार में वापस हो जाएगी। बिल्कुल, यह लव जिहाद का मामला है क्योंकि बच्ची को हिंदू नाम सिर्फ रानू बताकर उसे बहला फुसला कर बहकाया गया। एक प्रकरण सामने आया है, इसमें सागर जिले में गुम इंसान की रिपोर्ट भी पंजीबद्ध हुई है और छतरपुर पुलिस के भी संज्ञान में आया है, जिसमें बिजावर पुलिस पिपट की पूरी टीम और पूरे छतरपुर की टीम लगी हुई है। सागर जिले से भी टीम आई है। संयुक्त तो प्रयास किए जा रहे हैं और संभावना है कि जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। छतरपुर में ही एक दूसरे मामले में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने कोतवाली से महल रोड तक आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों ने चार दिन पहले नमाज पढ़कर जा रहे दो भाइयों पर कार से टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की थी, सफल नहीं होने पर फायरिंग की थी। आरोपी अभी चार पांच दिन पहले महुबा रोड पर प्रकाश रेस्टोरेंट के सामने क्रेटा कार से तीन आरोपियों से एक फरियादी के ऊपर गोली चलाई थी जान से मारने के प्रयास में, जिसमें 109 बीएनएस और तीन क्वेश्चन 5 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। उसी के अपराध में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है व घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार को जब्त किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।